इस अनुग्रहित सुबह को दान में दिए परमेश्वर को सारा आदर और महिमा देते हुए आप सबका स्वागत करता हूँ। आज मैं आप सबका ध्यान भजन संहिता 132 के दूसरे वचन की ओर ले जाना चाहूंगा। उसने यहोवा से शपथ खाई और याकूब के सर्वशक्तिमान की मन्नत मानी है। इस अनुग्रहित वचन से आज सुबह के समय जिस विषय पर हम ध्यान लगाने वाले हैं वो है सच्चा निर्णय। इस भजन संहिता को लिखने वाला कौन है, इस बात का उल्लेख वचन के शीर्षक में नहीं किया गया है। इसलिए वो दाऊद है, शलमोन है या कोई और, उन सब बातों पर ध्यान न देते हुए इस वचन के सारांश और भजन संहिता लिखने वाले के सच्चे निर्णय की ओर अपने ध्यान आज हम ले चलते हैं। यहाँ निर्णय क्या है वह मैं आपको 3-4 वचनों में विस्तार में बताना चाहूंगा। मैं यहोवा के लिए एक जगह, याकूब के सर्वशक्तिमान के लिए निवास स्थान ढूंढने तक अपने घर नहीं जाऊंगा। मैं अपने बिस्तर पर नहीं सोऊंगा। मैं अपनी आंखों को नींद और पलकों को आराम नहीं दूंगा। बहुत ही दृढ़ निर्णय भजन संहिता लिखने वाले ने यहाँ पे लिया है। प्रियजनों, हम अनेक प्रकार के निर्णय लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हर अवसर पर दृढ़ निर्णय लेते हैं, पर वो लिया हुआ निर्णय क्या है उसके बारे में वो एक पल भी नहीं सोचते और ना उसे पूरा करते हैं। हमने परमेश्वर के आगे कितने निर्णय लिए वो नहीं, बल्कि हमारे लिए गए निर्णयों में हमने कितने पूरे किए उससे परमेश्वर खुश होते हैं। हेनरी हेस्टियस नाम के एक वचन पंडित ने पूर्व पिता याकूब के बारे में ऐसा बताया है, याकूब 147 वर्षों तक जिंदा रहा, पर तब भी उसने परमेश्वर के सामने एक ही निर्णय लिया था। हमने जो भजन आज पढ़ा, दाऊद ने लिखा है। दाऊद एक मन्नत मांगने वाला है, इसलिए दाऊद को मन्नतों का पिता बुलाने वाले लोग भी हैं। इस भजन संहिता पे ध्यान लगाने पर हमें समझ आता है कि इज़राइल को परमेश्वर के तंबू से दूर हुए 20 साल हो चुके थे। 20 सालों में इज़राइल के जनों ने अनेक भलाइयां, आशीषें और ऊंचे स्थानों को पाया, पर जब भजन लिखने वाला पीछे मुड़ के देखता है तो इतनी भलाइयां पाने के बावजूद परमेश्वर का तंबू साथ न होने की कमी को समझकर उस परमेश्वर के तंबू को वापस लाने का निर्णय लेता है। मुझे सुनने वाले प्रियजनों, साल 2020 के मध्य में हम आ चुके हैं। शुरुआत में लिए कितने निर्णय हमें याद हैं, कितने लिए हुए निर्णय हमने पूरे किए हैं। इन सब से ऊपर जब हमने परमेश्वर को जाना था, जो छुटकारे की खुशी परमेश्वर ने हमें प्रदान की थी, वो परमेश्वर का सानिध्य अब हम में है क्या? 20 सालों से अलग हुआ परमेश्वर का तंबू हमारे संबंध में क्या दर्शाता है? वो परमेश्वर के सानिध्य को दर्शाता है। जीवन की व्यस्तता के बीच अगर हमने उस सानिध्य को खो दिया है तो उसे वापस पाने का निर्णय हम आज लेने पाए, क्योंकि परमेश्वर के सानिध्य को अपने जीवन में लाने का इससे अच्छा स्वर्णिम अवसर नहीं हो सकता। इस विषय में हम निर्णय लें, खुद को समर्पित करें, इसके लिए प्रयत्न करें। परमेश्वर हमारे इसके लिए सहायता करें। मैंने डेविड ब्रैनिड नाम के एक मिशनरी के बारे में पढ़ा, जो रेड इंडियन पीपल ग्रुप के बीच परमेश्वर का काम करते थे। वो 29 साल की उम्र तक जिए। दो अलग अलग जगहों पे बदल बदल के काम करने पे भी वे पराजित रहे। अकेले पढ़ने और टीबी जैसी बीमारी से ग्रसित होने पर भी वे परमेश्वर में दृढ़ निश्चय के साथ बने रहे। वे तीसरी जगह प्रार्थना के साथ गए। अपने निश्चय को दृढ़ कर परमेश्वर की पवित्र अग्नि में वे कायम रहे। परमेश्वर की पवित्र अग्नि में रहते हुए परमेश्वर के लिए उपयोगी होने के लिए तीसरी जगह जाकर परमेश्वर में मेहनत करी। परमेश्वर ने कुछ समय में ही अनेक आत्माओं को उन्हें दान में दिया। 29 साल पर एक दृढ़ निश्चय वाला जीवन, सत्य निश्चय को पूरा करने वाला जीवन।
उनकी मृत्यु के बाद उनकी आत्मकथा को पढ़कर अनेक मिशनरी लोग परमेश्वर के काम के लिए परमेश्वर की सहायता से आगे आए। उनके छोटे पर भरपूरी वाले जीवन की आत्मकथा को पढ़कर विलियम कैरी, हेनरी मार्टिन और जिम एलिट जैसे मिशनरी लोग हमें परमेश्वर की दया से मिले। हमारे जीवन के निश्चय और निष्ठा के अनुसार परमेश्वर हमें अनुग्रहित करे, अनेकों के जीवन के लिए हम लाभकारी हों। परमेश्वर आपको अनुग्रहित करे। धन्यवाद।